इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस प्रकार अपने मोबाइल से एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम ईमेल अकाउंट भी कहते हैं, वो गूगल अकाउंट ही होता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको इस वेब पता खोजे या लिखे यहाँ पे टाइप करना होगा, और आपको यहाँ पे टाइप करना होगा google.com। तो मैं यहाँ पे google.com टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एरो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे साइन अप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंग इन, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट अकाउंट, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। तो आपको यहाँ पे फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप एक बिजनेस मैन नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे माई सेल्फ पर क्लिक कर देना है। यदि आप एक बिजनेस मैन हैं, तो आप यहाँ पे टू मैनेज माई बिजनेस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई देगा, तो आपको इस फॉर्म को पूरा फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, तो मैं अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। और उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया यूज़र नेम क्रिएट करना होगा, जिसको हम ईमेल आईडी भी कहते हैं। तो यदि आपके पास पहले से एक ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पे नीचे यूज़ माई करंट ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखना है, स्मॉल आइकन से आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। और आप अपना नाम लिखने के बाद, क्योंकि यह अवेलेबल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आगे कुछ भी कुछ वर्ड यहाँ पे आपको लिख देने हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूँ, 3957, और उसके बाद यह है @gmail.com, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। और उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पे आपको एक मजबूत पासवर्ड डालना होगा, जो कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए, और उसके अंदर स्मॉल लेटर भी होने चाहिए और लार्ज लेटर भी होने चाहिए, और उस नंबर भी होने चाहिए, और कुछ सिंबल भी होने चाहिए, जो कि @$ का जो निशान होता है वह सिंबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे वह वर्ड टाइप कर देना है। तो यहाँ पे एक मजबूत पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, और नीचे उस पासवर्ड को दोबारा डालना है। आपको उस पासवर्ड को कन्फर्म करना है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। और यह मुझे बता रहा है कि यह नेम ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, तो आप यहाँ पे कुछ अदर नेम चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ और नंबर्स डाल देता हूँ, ये नंबर डाल दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए, है सक्सेसफुली नेक्स्ट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक मोबाइल नंबर भी डालना होगा, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जो कि मुझे आगे कभी भी फ्यूचर में पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ से इस नंबर की सहायता से पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। इस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, और आपके पास कोई ईमेल आईडी है, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे अपना बर्थडे डालना होगा, तो यहाँ पे आप अपना बर्थडे चूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं मंथ चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको डे डालना होगा, और यहाँ पे आपको ईयर डालना होगा, और उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना होगा। तो यहाँ पे जेंडर चूज कर लीजिए, आप मेल हैं तो आप यहाँ पे मेल पर क्लिक कर दीजिए, यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पे फीमेल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैं मेल चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे है अपना मोबाइल नंबर है, उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। यदि आप चाहें तो अभी भी यहाँ पे
एक OTP आएगा तो उसको डालकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो बाद में भी इसे कर सकते हैं, तो मैं भी इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे मोबाइल पर एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो मेरे को यहाँ पे वो कोड डालना है। तो यहाँ पे भी मैसेज के द्वारा आप ऊपर देख सकते हैं कि वो कोड आ गया है, तो मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको वही कोड यहाँ पे आपको डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से जुड़ी कुछ और ऑप्शन दिखाई देगी। यदि आप वीडियो कॉल सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मोर सेटिंग पर क्लिक करके भी आप कुछ सेटिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी को यहीं रहने दूंगा और यहाँ पे मैं इसको यस आई एम इन यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो आप इसे रीड कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वही गूगल का होम पेज द्वारा से आ गया और ऊपर यहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी शो हो रही है, आर जो लिखा हुआ है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यह मेरा गूगल अकाउंट फुल्ली सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। तो इस प्रकार आप अपने मोबाइल से एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल अकाउंट से हम बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे YouTube में वीडियो सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।